वेलकम टू माई चैनल बेस्ट नॉलेज टूडे इज माई टॉपिक कार्टिलेस कनेक्टिव टिशू आज हम कनेक्ट कार्टिलेज कनेक्टिव टिशू के बारे में बात करेंगे सबसे पहले इसमें है कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ अ डेंस नेटवर्क ऑफ कॉलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर कार्टिलेज कनेक्टिव टिशू किसी कोलेजन फाइबर की इलास्टिक फाइबर होती है देस फाइबर आर इम्बेडेड इन अ जेल लाइक कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रुप सबस्टांस कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइड सल्फेट इन तंतुओं के जेल में जहरीले पदार्थ के घटक जैसे कॉन्ड्रोसाइड सल्फेट के रूप में एम्बेड किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है दी सेल आर मैचिड्रोसाइट विच अकर सिंगली और इन अ ग्रुप विद इन स्पेसिस ठीक है अब इसमें आपको बता रहा है कि इस कोशिका के परिवक्त उपस्थित होते हैं जिसे कोंड्रोसाइट कहा जाता है ठीक है एक जो एक या समूह में होता है जिसे एक ल्यूकेम कहा जाता है फोर्थ पॉइंट है फाइबर प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू कार्टिलेज जो ये कॉलजन फाइबर है ये क्या करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फिफ्थ है मैमब्रेन डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम अब इस प्रकार जो मैमब्रेन की डेंस इरेगुलर होती है उसे पेरीकॉन्ड्रियम कहा जाता है दे आर देज आर ऑफ थ्री टाइप्स यानी कि हेलाइन कार्टिलेज फाइब्रोकार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज गाई ये मैंने आपको तीनों पॉइंट्स करवा दिए हैं ठीक है और हमें इन तीनों के बारे में मेरी जो वीडियो पिछली वीडियो आप चेक करेंगे तो आपको तीनों की जो हेललाइन फाइब्रो और इलास्टिक जो कार्टिलेज है इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और मेरे इस वीडियो को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं थैंक यू सो मच